अभी आपने जो थंबनेल लिखा, अगर इस तरह का थंबनेल आप भी बनाना चाहते हैं बहुत आसान तरीके से और वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से, तो आप लोग वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत आसान तरीका बताया है HD और अट्रैक्टिव थंबनेल बनाने का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रौनक और आपका अपने चैनल सही सजेशन में स्वागत है। चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन में और जानते हैं बहुत आसान सा स्टेप ऐसा अट्रैक्टिव थंबनेल बनाने का। अभी हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन में। सबसे पहले तो आपको पिक्सेल लैब एप्लीकेशन में चले जाना है। उसके बाद आपको 3 डॉट पे क्लिक करके इमेज साइज पे क्लिक करना है। यहाँ पे कस्टम सिलेक्ट रहेगा, आपको इस पे क्लिक करके यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक करके ओके पे प्रेस कर देना है। उसके बाद फिर से आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है और फर्स्ट में ऑप्शन होगा यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी, इस पे क्लिक करना है और आपको आपके थंबनेल का बैकग्राउंड ले लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको टेक्स्ट लिख लेना है जो भी आप लिखना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको 5 ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो आपको ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको इसे स्लाइड करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा फॉन्ट का, इस पे आपको क्लिक कर देना है और आपके हिसाब से जो भी फॉन्ट आपको अच्छा लगे उसे आप रख सकते हैं। फॉन्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको ओके पे प्रेस करना है, तो आपका ये फॉन्ट यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद पहले तो आपको इसका कलर ले लेना है, तो मैं इसका कलर ब्लैक कर देता हूँ। यहाँ पे कलर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करिए और यहाँ से आप स्लाइड करिए, यहाँ पे ब्लैक का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद आपको राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, तो आपको स्लाइड करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा बैकग्राउंड का, इस पर क्लिक करके इसे इनेबल कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, बैकग्राउंड में आप जो भी कलर रखना चाहते हैं उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड में वाइट कर देता हूँ। तो उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपका कॉर्नर बनेगा इस तरह से। उसके बाद आपको राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और आपको साइज एडजस्ट करके इसे सही जगह पैसे लगा देना है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, आपको फिर से टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको न्यू टेक्स्ट के जगह जो आप लिखना चाहते हैं वो उसको आपको लिख देना है। HD थंबनेल, ये जो HD थंबनेल मैंने लिखा है ये बीच में रहेगा। उसके बाद आपको जो ऊपर वाला लिखना है उसको आपको बाद में लिखना होगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैक। उसके बाद जिसे आप नीचे रखना चाहते हैं जिस टेक्स्ट को, फिर से आपको टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टेक्स्ट लिख लेना है। तो मैंने सबसे पहले लिख दिया HD थंबनेल, उसके बाद मैंने लिखा मैक, उसके बाद इन वन क्लिक। तो आपको सबसे पहले बीच वाले पे क्लिक करना है और आपको इसका कलर पहले सिलेक्ट कर लेना है, तो मैं इसे ब्लैक रहने देता हूँ। उसके बाद आपको फॉन्ट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको आ जाना है बैकग्राउंड में, आपको इसे इनेबल करके आप जो भी बैकग्राउंड का कलर रखना चाहते हैं वो आप रख दीजिए और आपको साइड में हल्का सा बढ़ा देना है इसका बैकग्राउंड को। इस तरह से आपको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है और आपको इसे कॉर्नर को भी कट कर देना है हल्का। उसके बाद आपको ऊपर वाले पे लेना है और आपको इसका भी कलर सिलेक्ट कर लेना है। थंबनेल बनाने का मेन राज होता है कलर करेक्शन, तो मैं यहाँ पे येलो रहने देता हूँ। उसके बाद आपको इसका फॉन्ट भी सिलेक्ट कर लेना है। फॉन्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको बैकग्राउंड में चले जाना है और आपको इनेबल कर देना और आपको इसका बैकग्राउंड को लेफ्ट और राइट से हल्का हल्का बढ़ा देना है और आपको इसका कॉर्नर भी हल्का कट कर देना है ताकि ये देखने में अच्छा लगे। उसके बाद आपको नीचे वाले टेक्स्ट में आना है और इसका भी आपको सेम उसी तरह फॉन्ट और बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेना है। ये आपका टेक्स्ट रेडी हो गया। अब आपका नेक्स्ट स्टेप है इसे सही जगह पे सेट करना। आपको सबसे पहले बीच वाले टेक्स्ट पे क्लिक करना है और आपको स्लाइड करना है और आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा रोटेट का, इस पे क्लिक करके आपको इसे हल्का सा रोटेट कर लेना है जितना आप रखना चाहते हैं। तो मैं इसे -8 डिग्री रहने देता हूँ। उसके बाद आपको राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर आपको नीचे वाले टेक्स्ट पे भी क्लिक करके रोटेट पे क्लिक करके इसको भी -8 डिग्री पे कर लेना है। फिर से आपको ऊपर वाले टेक्स्ट को क्लिक करके इसे भी -8 डिग्री तक रोटेट कर लेना है। रोटेट करने के बाद आपको इसका साइज को हल्का हल्का बढ़ा देना है। इसे अच्छे से सेट करने के बाद आपको फिर से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है और आपको एरो को ले लेना है। तो मैंने इस एरो को यहाँ पे डाउनलोड करके रखा है, तो आपको इसे ले लेना है। अब इस एरो को डाउनलोड कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, अभी आप वीडियो पे बने रहिए। तो आपको इसे इस तरह से सिलेक्ट करना है और आपको इसे सही जगह पे फिट कर देना है। उसके बाद फिर से आपको इस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे 5 ऑप्शन में से बीच वाले ऑप्शन में चले जाना है और आपको इसे स्लाइड करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कलर का, तो आपको इसका कलर जो भी रखना है उसको आपको रहने दीजिए और यहाँ पर आपको राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे फिर से स्ट्रोक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। स्ट्रोक का मतलब आउटलाइन, और यहाँ पे मैं इसे वाइट सिलेक्ट करके इसका आउटलाइन को हल्का सा बढ़ा देता हूँ। उसके बाद फिर से आपको इस एरो पे क्लिक करके पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से इस एरो को कॉपी कर लेना है, तो ये आपका सेम एरो इस तरह बन जाएगा। ये भी सेम उसी तरह सेट कर लेना है नीचे की तरफ। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, फिर से आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके अगर आप इसमें अपना फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो आप अपना फ़ोटो इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद फिर से आपको
ए वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे टेक्स्ट जो लिखना चाहते हैं वो लिख लेना है और आपको इसका भी कलर और बैकग्राउंड को सही से एडजस्ट कर लेना है। तो ये मेरा थंबनेल बन के रेडी हो चुका है। अब आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा एक्सपोर्ट इमेज का, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देना है तो आपका ये जो थंबनेल है वो गैलरी में सेव हो जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ इस एरो को आपको कैसे डाउनलोड करना है। पहले तो आपको मेरा ही थंबनेल का स्क्रीनशॉट ले लेना है, उसके बाद आपको आपके गैलरी में आ जाना है। गैलरी में आने के बाद आपको उस थंबनेल को ओपन करना है जिसका आपने स्क्रीनशॉट लिया था। आपको एडिट वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे आपको फ्लिप या रोटेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे आपको क्रॉप कर लेना है। तो इस तरह आपको क्रॉप कर लेना है और आपको सेव पे क्लिक करना है। अब आपको आ जाना है गूगल में और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है बैकग्राउंड रिमूवर। सर्च करने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको slater.com दिखेगा, इसके अंदर चले जाना है और यहाँ पे आपको अपलोड इमेज का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके जो आपने एरो को क्रॉप किया था इसे क्लिक करके डन पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो सिर्फ एरो है वो यहाँ पे आ जाएगा, आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, या आपका किसी भी टॉपिक पे कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा और मुझे ये भी कमेंट कर दीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।